स्टार्ट करके दिखाते हैं कि जो इसकी आइडियल आरपीएम है उस पे इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसकी कितनी तेज इसका जो लोडर है उठता है, और एक बार इसको पूरा रेस दे के दिखाएंगे कि रेस देने के बाद ही कितनी स्पीड से उठता है। वीडियो में आपको एक छोटा पार्ट ये भी देखने को मिलेगा कि ये मशीन मैनिटो जो कंपनी है ये जेसीबी से किस तरह से डिफरेंट है, क्या क्या चीजें इन दोनों मशीनों में डिफरेंट है और कैसे इन चीजों को डिफरेंशिएट कर रखा है कंपनी ने कि क्या इसमें अलग है क्या उसमें अलग है, किस चीज में ये अच्छी है किस चीज में वो मशीन अच्छी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं अपनी मैनिटो TLB 740S का, जो कि 2020 मॉडल है। तो ये 2019 नवंबर का, दो महीने का क्या देखना है, तो ये 2020 मॉडल हम इसको मान के चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लोडर से। इसका जो लोडर है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.0 क्यूबिक मीटर, मतलब ये पूरे एक क्यूबिक मीटर की इसकी कैपेसिटी है, ये उतना सामान उठा सकता है। और उसके बाद इसमें हमें देखने को मिलता है 70, किसी किसी मशीन में किसी किसी बैकहो लोडर में 8 या 9 मैंने देखा है 8 दांते तक होते हैं, बट इसमें 7 दांते हैं। और इसके जो पीछे है ये जो साइड में जो ये कि पूरी लोहे की पट्टी लगी हुई है, ये लगी हुई है इसलिए कि जब ये कहीं भी लगेगी साइड में तो यहीं पे वो चीज़ इस पर इफेक्ट करेगी, यहीं से ही घिसेगा। ये हम चेंज भी कर सकते हैं या इसके ऊपर और लगा सकते हैं, उसको प्रूफिंग बोलते हैं। जैसे पीछे अगर बकेट में लगाए तो बकेट प्रूफिंग बोलेंगे, यहाँ पे कोई लोहे के सामान हम ऐसे लगाते हैं तो उसको लोडर प्रूफिंग बोलेंगे। और क्यूबिक मीटर का मैं आपको आज मतलब समझाता हूँ, अदनान देना एक देना। जैसे स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर मीटर का मतलब होता है कि एक स्क्वायर, एक मीटर ऐसे, एक मीटर ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। जहाँ हम क्यूबिक मीटर की बात करते हैं, क्यूबिक मीटर में गहराई भी आ जाती है, जैसे कि 4 मीटर तो ऐसे हो ही गया, उसके बाद एक मीटर गहराई भी, उसे क्यूबिक मीटर होता है। मतलब जैसे एक बॉक्स होता है पूरा, वो आएगा क्यूबिक मीटर में। तो ये 1 मीटर पूरा, इसका 1 मीटर तक ये पूरा उठा सकती है, उसको क्यूबिक मीटर बोलेंगे। और पीछे जो है, पीछे हमारे पास है यहाँ पे इसका शोवल सिलेंडर आ जाता है, इसको शोवल सिलेंडर बोलते हैं, जो कि इसके बकेट को मैन्यूवर करता है लोड अनलोड करने में, उठाने में और डालने में। और यहाँ पे इसके हाइड्रोलिक पाइप्स हैं जो इन और आउट के दोनों होते हैं। यहाँ पे इसका ग्रीसिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जो हर मशीन में जहाँ भी पिन होते हैं, पूरी मशीन में जहाँ भी पिन होता है वहीं उसका ग्रीसिंग पॉइंट होता है, जिससे जो पिन है उनमें ग्रीसिंग बनी रहे और वो अच्छे से मतलब चलते रहे, मैन्यूवर होता रहे, उससे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगली बारी आती है इसका, एक ये फीचर है जो जैसे कि मशीनों में यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं, साइड में जो सिलेंडर होते हैं तो वो इसके बकेट को मैनूवर करते हैं, बट इसमें ये एक आम अलग से दी हुई है। इसको बोलते हैं कि जैसे ही बकेट ऐसे ऊपर उठता है तो पूरा ऊपर उठ के सामान पीछे डल जाए, वो बिल्कुल सीधा का सीधा ऐसे ही उठता है, उसको ये कंट्रोल करती है। उसके पीछे हमारे पास है बैटरी कंपोनेंट, बैटरी को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस जाली को हटा के। 1 और 2 बोल्ट हटाने पर हम इसकी बैटरी को और उसके रेडिएटर को एक्सेस कर सकते हैं, अगर रेडिएटर गंदा हो रहा हो तो इस जाली को हटा के हम साफ़ कर सकते हैं। और इसका जो बोनेट है वो ओपनेबल नहीं है, खुलता नहीं है। इसके फिर 6 बोल्ट हैं तो वो खोलने पड़ते हैं, अगर कोई मेजर दिक्कत है तो होती है, बाकी सर्विस तो इसमें इजीली यहीं से बाहर से हो जाती है। और उसके बाद हम उसी साइड चलते हैं वापस से, यहाँ पे आते हैं। इसका जो ये सिलेंडर है जो इसके आर्म को पूरा उठाते हैं, बकेट को ऊपर नीचे करते हैं प्रॉपर, एक इस साइड एक दूसरी साइड है। और बाकी आपने मशीन्स में देखा होगा कि जो इसका सेफ्टी एक लॉक होता है वो उसमें अलग से होता है, एक सिलेंडर होता है, उसको निकाल के पूरा वो सिलेंडर यहाँ पे हमें लगाना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंपली इसको यहाँ से अनप्लग करो, इसको पीछे निकालो और यहीं का ही इसमें अटैच हो जाता है, तो वो इजीली लग जाता है। और नीचे यहाँ पे हमें इसको टोइंग हुक दिया गया है इस साइड में, जो कि इसको मशीन अगर फंस जाती है या कहीं गिर जाती है, पलट जाती है, तो इसको यहाँ से टो कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका जो स्टिकर है ये टो का लगा भी हुआ है कि यहाँ से इसको टो कर सकते हैं। बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो इसका टायर साइज़ जो होता है वो होता है 9, 16, 25 का, बट इसमें जो हमने ये एक टायर लगाया हुआ है ये है 8, 25, 16 का। 8, 25, 16 का भी इसमें हम लगा सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी है या आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम में ये भी इसकी यूनिट काम कर सकती है। और उसके बाद ये जो पीछे वाला, अब हम आते हैं इसके इंजन कंपोनेंट पे। इंजन में सबसे पहले आता है यहाँ जो ऊपर है, ये है इसका एयर फिल्टर, जिसको ये आप 1, 2, 3 क्लिप्स खोल के इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको साफ़ करना होता है, मतलब जैसे ही आपको अगर लगे कि मिट्टी में मशीन चल रही है तो कुछ टाइम चलने के बाद इसको निकालते रहे, साफ़ करते रहे। इससे भी पहले जो यूनिट होती है वो होता है ये इसका एयर इनटेक। जैसे अभी इसमें मिट्टी गई हुई है, इसमें क्या, अभी तो सारी मशीन में मिट्टी गई हुई है, अभी थोड़ी हमारी मशीन गंदी है तो प्लीज़ डोंट माइंड,
और इस सबसे पहले इसको साफ रखिए, उसके बाद इसको साफ रखिए। ये तो हो गया इसका एयर इनटेक का प्रोसेस। उसके बाद जो आता है इसकी एक बार इंजन स्पेसिफिकेशन भी बता देते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। इसका 4.6 लीटर का किर्लोस्कर इंजन है। ये किर्लोस्कर इंजन है 4R1040C और इसमें जो FI भी लगा हुआ है, जो फ्यूल का पंप है वो रोटरी पंप है, रोटरी टाइप है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 76 HP का इसका इंजन है और जो 290 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1320 RPM 1320 RPM पे 290 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, इसके आगे है जो इसका रेडिएटर का फ़ैन है। रेडिएटर का फ़ैन इसको हीट होने से बचाता है, चलता है जब हीट होता है। और यहाँ से हम इसका इंजन ऑयल फिल करते हैं, रिफ़िल करते हैं। यहाँ से इसको खोल के यहाँ से इंजन ऑयल रिफ़िल करते हैं और ड्रेन का जो बोल्ट होता है वो नीचे होता ही है। यहाँ पे इसका हमें पंप देखने को मिलेगा। ये है इसकी, इस मशीन का पूरा बबाल जो यूनिट है वो ये है, रोटरी पंप है बोश का। और यहाँ पे जो है ये है ट्रांसमिशन गेज है, डिपस्टिक जिसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन डिपस्टिक। इससे ट्रांसमिशन ऑयल का पता कर सकते हैं कितना है और यहाँ से इंजन ऑयल का हम डिपस्टिक को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर है जो इसका डीजल फिल्टर है, ये प्राइमरी फिल्टर है, एक नीचे सेकेंडरी फिल्टर है, इसको वाटर सेपरेटर भी बोलते हैं। और इसमें एक इंडिकेशन होता है भी कंपनी की तरफ से, एक स्टिकर होता है, शायद वो अभी है नहीं यहाँ पे। इसको हर 50 घंटे में यहाँ से जो इसका ये होता है इसको खोल के और इसमें जितना भी वाटर होता है वो निकल जाता है और फिर इसको टाइट कर दीजिए। अगर इसमें वाटर है तो वो निकल जाएगा, जिससे इंजन में जाने से पहले ही वो बच जाएगा। और एक ये जो दूसरा फिल्टर है यहाँ पे, इसका दूसरा डीजल फिल्टर है। यहाँ पे जो एक फिल्टर देख पा रहे हैं ये वाला है इसका इंजन का फिल्टर। और ये यहाँ पे सारी इसकी स्टीयरिंग असेंबली है, ये लिंक रोड है, क्योंकि इसमें जो पावर स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो सिंगल एक्टिंग है, सिर्फ उसी साइड वो पावर देता है और बाकी जो इस टायर को जो पावर मिलती है वो इस लिंक रोड के द्वारा मिलती है। और पीछे इसका है हाइड्रोलिक टैंक। हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी भी 120 लीटर है, बट इसमें 100 लीटर तक सफिशिएंट होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो इसका इंडिकेटर होता है इसे हाफ से सिर्फ थोड़ा ही ऊपर रहने दे, इसको फुल करने की जरूरत नहीं होता है, उतना इसमें सफिशिएंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फुटस्टेप देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद कैबिन है, कैबिन का आपको बाद में बताएंगे। बाकी ये पीछे वाला टायर है, हमारी मशीन में जो है हमने हैवी ड्यूटी टायर सेलेक्ट किए हुए थे, हैवी ड्यूटी टायर्स हैं इसमें। और टायर दो तरह के आते हैं, एक स्टैंडर्ड आते हैं, एक हैवी ड्यूटी आते हैं। हैवी ड्यूटी का फ़र्क ये होता है कि एक तो ये पतले होते हैं, बट इनकी जो रबड़ होती है ना वो बहुत ही हैवी होती है, वो सच में हैवी ड्यूटी होते हैं। तो जैसे कोई मतलब पत्थर का आपको काम है या कहीं भी आपको पत्थर का है या कुछ ऐसा चीज़ें चुभ जाएंगे ऐसा कुछ है तो उसमें ही सही होते हैं। बाकी जो मिट्टी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं जो स्टैंडर्ड टायर होते हैं, जो ट्रैक्टर कटिंग होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनकी जो ग्रिप होती है वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। वो अच्छे से चीज़ को मतलब मिट्टी में से चल रहे हैं तो पकड़ करके चलते हैं, बट उनकी एक जो नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको चूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी को, उसका मेन पॉइंट ये है कि वो थोड़े हल्की रबड़ के होते हैं कि अगर उनमें कुछ घुस जाए तो वो फट सकते हैं, बट इसमें ये चीज़ नहीं आएगी। मिट्टी के काम में अगर आपको यूज़ करना है तो आप स्टैंडर्ड टायर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बट अगर आपको कहीं इंडस्ट्रियल यूज़ लेना है, जैसे आपको कूड़े में चलानी है, कूड़े में क्योंकि कांच वगैरह पत्थर कील सब चीज़ें होती हैं, या पत्थरों में चलानी है, तो आप हैवी ड्यूटी टायर ही ऑप्ट करें। ओके, एक्सल पे इसमें जो एक्सल ऑयल है वो इसमें 14 लीटर के आसपास डलता है। अगर कम होता है तो वो तो अपने हिसाब से डाल लेते हैं कि अगर कम हो गया, कहीं से लीकेज है तो जितना होता है उतना डाल लेते हैं। बाकी इसमें डिपस्टिक नहीं होती है, इसमें यहीं से निकलता है, इसको घुमा के इसको खोलने के बाद यहीं से निकलता है और यहीं से इसमें रिफ़िल होता है। और दूसरी बात रही इसका जो ये मड गार्ड है, ये यहाँ पे इस पर प्लास्टिक का दिया हुआ है, बट काफ़ी फाइन क्वालिटी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कम इसको डिग्रेड कर दिया गया है, काफ़ी हार्ड मटेरियल का बना हुआ है। बाकी जो मशीन है जैसे JCB है उसमें यहाँ पे आपको जो फेंडर, इसको शायद फेंडर तो नहीं बोलेंगे, ये जो इसका पार्ट है यहाँ पे उसमें लोहे का ही मिलेगा। और बाकी इसमें जो इंजन है वो है किर्लोस्कर का, जो इसका पंप है वो है बोश का, और जो इसमें ट्रांसमिशन है वो है करारो का। करारो का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन माना जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद पीछे आते हैं तो यहाँ पे है स्टेबलाइजर्स, और ये स्टेबल जो इसको करते हैं ये यहाँ पे इसका फुट है, यहाँ पे इस फुट की पिन है कि अगर ये हट जाता है या कुछ हो जाता है तो यहाँ से इसकी पिन को निकाल के दूसरा लगाया जाता है, जो कि हम लगा चुके हैं पहले, दूसरा आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये इसके अटैच मतलब ये एडजस्टमेंट है, तीन एडजस्टमेंट मिलती है, जो इसको यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से इसको ग्रैब करते हैं स्टेबलाइजर को, वो आप अपनी
काम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर ये मशीन स्टेबलाइजर लगाने के बाद आपकी मशीन हिल रही है इधर उधर, तो इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। इतना टाइट ना करें कि इसमें चू चू की आवाज़ आने लग जाए, बस वहाँ तक टाइट कर दीजिए जिससे मशीन आपकी स्टेबल रहे। यहाँ पे नंबर प्लेट मिलती है जो कि हमने ऊपर वहाँ माउंट की हुई है सबसे ऊपर, और ये इसके कुछ रेडियम टेप जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो मिलते हैं, एक यहाँ पर था, एक यहाँ था, एक यहाँ, तीन थे, बाकी ये अभी मतलब हट गए, टूट गए। और यहाँ पे आपको जो इसकी लाइट्स हैं वो सारी मिलती हैं, इंडिकेटर, रियर टेल लाइट, बैक लाइट, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर ऐसा कुछ है। और उसके पीछे जो है ये सारी हमारी जो मेन केपीसी है, जो इसकी पीछे की बबाल है वो है इसकी केपीसी जो यहाँ से चलती है। और इसमें एक जो जेसीबी से हट के फीचर है वो ये है कि जो इसका बूम लॉक जो होता है, बाकी मशीन में होता है, यहीं पे एक रेड कलर का होता है, उसको हाथ से नीचे मतलब मशीन से नीचे उतरना पड़ता है, उसको पकड़ के तब उसको लॉक लगाया जाता है, जो उसका रेड एक अलग से लीवर दिया होता है उसको पकड़ के लगाया जाता है। इस मशीन में जो है एक अलग फीचर ये है कि इसको कैबिन के अंदर से ही इसके बूम को लॉक को आप लगा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इजीली। वहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे इंगेज हो जाएगा इसमें और इसमें, जिससे ना तो लेफ्ट राइट होगी और ना ही ऊपर नीचे होगी। यहाँ पर इसके जो सिलेंडर है ये स्विंग सिलेंडर्स मिलते हैं, एक ये एक वो, जो कि इसको लेफ्ट राइट मैनूवर करते हैं। यहाँ पे इसकी केपीसी की जो केपीसी को जो रोक कर रखता है वो वाली पाइपलाइन है। यहाँ पर ये सारी इसकी हैं सारी बाकी मेन, और ये जो पीछे सिलेंडर है ये बूम का है। इसको बोलते हैं बूम, इसको बोलते हैं डिपर, और इसको बोलते हैं बकेट। तो और इस पूरे अगर एक्सकेवेशन को काम बोलते हैं तो बोलते हैं कि बूम चल रहा है, बाकी इसको बूम, डिपर और बकेट बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें आपको ग्रीस पिन मिलेगी, हर जगह इसमें ग्रीस पिन मिलेगी, ज़्यादातर सभी मशीनों में। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि उसकी प्लेसमेंट कहीं और हो सकती है, इसमें प्लेसमेंट कहीं और है, तो इसकी मतलब वो आपको इजीली दिख जाती है कि कहाँ कौन सी मशीन है, मशीन में कहाँ पर उसमें पिन है। और बाकी साइड आते हैं, जो इसकी बकेट की जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 0.24 है। अब आप दूसरी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी कितनी है। और यहाँ पे आपको पूरी ब्रांडिंग मिलेगी, TLV 740S टर्बो वेरिएंट है ये, इसके अंदर टर्बो है, और विद स्मार्ट टच का, स्मार्ट टच से कंपनी ने ये क्लेम किया है कि जो इसके लीवर हैं वो थोड़े स्मूथ हैं बाकी कंपनी से, तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट टच की ब्रांडिंग दी गई है। और इस साइड भी आपको सारी इसी का केपीसी से रिलेटेड इसके पाइप्स वगैरह मिलेंगे, होज और ये सब मिलेगा। और यहाँ पे भी ये जो प्लेट है, ये जो बाहर वाली प्लेट होती है, ये इसकी एक तरह से बकेट प्रूफिंग ही होती है, जैसे आगे लोडर में, ताकि साइड से अगर टच होगा तो सबसे पहले एक हर ख़राब होगी। जैसे गाड़ियों में डोर प्रोटेक्टर नहीं लगवाते हैं छोटे से, जो आई पॉप वगैरह के आते हैं वो लगाते हैं कि गेट अगर कहीं बार लगेगा तो वो लग जाएगा। बाकी इसकी बकेट प्रूफिंग भी कई लोग कराते हैं जो काफ़ी अच्छी होती है, उससे ना जो प्लेट होती है वही घिसती हैं और लोडर मतलब जो बकेट है वो नहीं घिसता, इसका लोहा कभी से कभी तक नहीं घिसता है। यहाँ पर पीछे यहाँ पर एक टोइंग हुक दिया गया है, एक इस साइड और एक उस साइड, जैसे आगे दो थे ऐसे यहाँ पे दो हैं। और ये तो इसके वही एडजस्टमेंट है, पीछे हर जगह इसमें ग्रीस रिपल दिए हुए हैं, इस साइड वही टायर आ जाता है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं 14.0025, इसमें ये आते हैं। यहाँ पे ये टोइंग हुक है, इसकी मार्किंग आती है टोइंग हुक की, ये सारे अपना। फिर इस साइड आते हैं, एक यहाँ पे रिफ्लेक्टर था, ये इसका आगे का टूट गया है, ऊपर का तो रहता है। यहाँ से ग्रैब हैंडल है जो इसको लेकर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी इनकी मैनेटो की जो ब्रांडिंग है, TLV 740S मॉडल है, 2019 की मेकिंग है, जैसा मैंने आपको बताया नवंबर में ली थी ये मशीन। यहाँ पे इसका डीजल टैंक है, डीजल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 120 लीटर्स है, और इसे तो पूरा ही भरना होता है। खैर इसमें तो ये तो है नहीं कि अगर उसमें 100 डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। और बाकी यहाँ पे सिलेंडर है, ये इसकी जो है यहाँ पे टर्बो देखने को मिलेगी। टर्बो से पहले जो है उस साइड ये जो मतलब एयर फिल्टर है वो तो आपको दिखाया ही था। यहाँ पर ऑल्टरनेटर है, ये ऑल्टरनेटर को टाइटन करने के लिए बोल्ट होता है कि अगर इसकी बेल्ट ढीली हो जाए तो इसको टाइट कर दीजिए। फैन है, और बाकी इस साइड यहाँ पर नीचे आपको स्टार्टर मिलेगा इसका, जो मशीन को इंजन को स्टार्ट करता है, स्टार्टर और मोटर जो होता है पूरा सेल्फ जिसको बोलते हैं वो है। यहाँ पर जैसे उधर बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर इसका सिंगल एक्टिंग है, सिर्फ एक ही साइड इसका हाइड्रोलिक सिलेंडर है स्टेयरिंग को मैन्यूवर करने के लिए। बाकी यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं, और ये वर्किंग लाइट है, एक दो नीचे हैं, दो ऊपर हैं, चार पीछे हैं, टोटल इसमें 8 लाइट्स होती हैं। और बाकी वाइपर है, वो तो सब मशीनों में होता ही है। और ये जो है इसके रियर व्यू मिरर्स हैं, ये भी काफ़ी वाइड दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस मॉडल में एक सिलेंडर मिलता है आगे? हाँ, इस मॉडल में एक सिलेंडर मिलता है, मतलब जो हमारी मैनिटो कंपनी है
वो इसी तरह से इसको बनाती है कि इसमें एक ही सिलेंडर है, बाकी जो मशीन्स होती हैं उनमें यहाँ पर आपने यूजुअली देखा होगा कि यहाँ पर सिलेंडर होते हैं, जैसे कैट में था, कैट की जो पहले मशीन आती थी उनमें एक ही सिलेंडर था, बट उसके बाद उन्होंने चेंज करके दो सिलेंडर कर दिए। इसकी एफिशिएंसी शायद बताते हैं कि थोड़ी कम होती है, कि अगर इसको जैसे कहीं ये नहर में या कहीं नीचे डीप उतार दिया है फिर चढ़ाना है तो लोडर को जैसे मैन्यूवर करना होता है ऐसे नीचे करना होता है, तो बताते हैं कि कुछ इसमें थोड़ा सा कम एफिशिएंसी होती है उससे, क्योंकि उसमें दो सिलेंडर होते हैं इसमें एक, जबकि इसका ये सिलेंडर काफ़ी मोटा होता है, ऐसा इशू आना नहीं चाहिए, बट अगर आता है तो ऑपरेटर बताते हैं तो हो सकता है कि होगा। और बाकी तो इसमें यहाँ पे टोइंग हुक की मार्किंग दी हुई है, यहाँ पर ये जो मार्किंग दी हुई होती है ये होती है सेफ्टी मार्किंग्स होती हैं कि लोडर के नीचे खड़े ना हो, और इससे मतलब ये नीचे कभी भी आ सकता है। एक ऐसे ही आपको पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ये वाली है कि इसके अंदर ये यहाँ पे फैन है, ये जैसे देखिए ये फैन है तो इसको हाथ ना लगाए बिल्कुल भी, हाथ कट सकता है। और पीछे जो दिखाते हैं आपको एक ये वाली जो है ये वाली मार्किंग है, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है कि इसकी जो ये बूम है इससे ये लेफ्ट और राइट इतने एरिया में इससे दूर रहें कि ये इधर उधर लेफ्ट राइट हो सकती है जब एक्सकेवेशन है, तो उस समय इसको ध्यान रखना होता है। अब आती है इसकी कैबिन की बारी, अब आपको अंदर से सारा दिखाते हैं। इंटीरियर में घुसते समय जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है इसकी ग्रैब हैंडल, जिसको आप पकड़ के चढ़ते हैं। उसके बाद जो है इसके ये लॉक लीवर हैं, इसको ऊपर करके ये अनलॉक होती है। यहाँ से इसका पूरा जो विंडो है उसका ग्रैब हैंडल है। ये जो इसके लीवर हैं ये इसकी बाहर वाली जो छोटी विंडो है उसको खोलने के लिए है, जैसे यहाँ से अभी अनलॉक हो चुकी है ये देखिए, और ये लॉक हो गई इसमें। और यहाँ पे जो है ये एक छोटा दिया होता है, इसको बाहर खोल के इसमें आप गेट को लॉक कर सकते हैं जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर बनी रहे। इसके बाद जो बारी है वो मेन है इसके, जो इसका आगे का जो बोर्ड दिया होता है पूरा प्लास्टिक का है, इसकी काफ़ी क्वालिटी अच्छी है, फाइन मटेरियल है। यहाँ पर एक आपको सिगरेट सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक आपको स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लीवर है। इसका जो स्टेयरिंग है ये टू स्पोक आता है, काफ़ी सुंदर लगता है, छोटा सा है, बाकी मशीन्स में मैंने तीन भी देखा है, चार का भी देखा है। यहाँ पर वाइपर का कंट्रोल है, यहाँ से इसका हॉर्न का और जो इसकी हेडलाइट है वो जलती है। यहाँ पे जो इस साइड देखिए आप, इस साइड इस बॉक्स को खोल के इन्हें दोनों को अनस्क्रू करके यहाँ पे इसको जो ब्रेक ऑयल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसका सीट बेल्ट का जो है इंडिकेशन दिया गया है कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाए वरना पलटने पर आप भी पलट जाएंगे। और यहाँ पर इसका गियर लीवर है, ये जो स्विच है ये इसका ट्रांसमिशन कटर स्विच है जिससे न्यूट्रल हो जाती है मशीन और गियर लगा सकते हैं ईजिली। यहाँ पे एक आपको कैबिन लैंप देखने को मिलेगा, ये जो है ये रेडियो का है और जिससे रेडियो जो फ्रीक्वेंसी अपनी कैच करती है गाने चलते हैं। और इस साइड एक ही IRVM है, इनर रियर व्यू मिरर जो कि हमने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। आगे वाइपर है और इस साइड जो है एक स्टीरियो है, कंपनी वाला था वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो गया था, उसके बाद हमने दूसरा लगाया है। और फिर इस साइड धीरे धीरे इस साइड आ जाए तो इस साइड भी आपको सेम चीज़ें मिलेगी। ये जो आपको देख रहे हैं ये हमने अलग से किया हुआ है क्योंकि इसके जो लीवर थे वो प्लास्टिक के थे छोटे, उन पे जोर पड़ने पे वो टूट जाया करते थे, तो ये ऐसा इसका जुगाड़ कर दिया परमानेंट। अब अगर ये लॉक ही ख़राब हो गया तो यहाँ से कट के खुलेगा, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है कभी से कभी तक भी। इस साइड आएंगे आपको इसका फ्यूज़ बॉक्स कंपार्टमेंट मिलेगा, और ये जो लीवर है ये लीवर है इसका लोडर का, बाकी मशीन में सीधा खड़ा लोडर लीवर मिलता है जिसको आप ऐसे पकड़ के चलाते हैं। इसमें एर्गोनॉमिक्स कुछ इस तरीके के हैं, बाकी मशीन्स में JCB मैंने देखा है कि उसमें जो यहाँ पे एक बटन होता है वो भी ट्रांसमिशन कटर स्विच होता है कि अगर आप लोड कर रहे हैं तो मशीन की आगे पीछे मूवमेंट को बंद करके सीधा डंप कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ैन देखने को मिलेगा, रैमी कंपनी प्रोवाइड करती है, रैमी से इनका कोलेबोरेशन है, रैमी का फ़ैन है और एक लोकल ब्रांड था उसका स्टीरियो था। जो फ़ैन था वो भी किसी कारण से फूक गया था, वो कुछ घंटे चला हुआ छोड़ दिया था तो इसलिए फूक गया था, और बाकी हमने ये चेंज किया था। यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स इसके देखने को मिलते हैं, एक इधर एक इस साइड है, दोनों स्पीकर्स हैं, उन्हें भी वो भी काफ़ी मतलब 2 साल में पुराने हो गए थे तो उसके बाद हमने ये बड़ा स्पीकर एक लगाया हुआ है। और इस साइड आते हैं, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको देखने को मिलता है कुछ इंडिकेटर्स मिलता है, जैसे बैटरी का इंडिकेटर है और ये इसमें और अलग अलग हैं, टू टू करते रहेगी इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर इसका फ्यूल का है, यहाँ पर RPM देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो है इंजन टेम्परेचर मिलता है, और यहाँ पे इसमें ट्रिप मिलती है, जैसे ट्रिप इसमें 2 ट्रिप है, जैसे ये ट्रिप बी है और ये मेन है और अब ये ट्रिप ए, तो आप इन्हें रिसेट कर सकते हैं काम करते टाइम। यहाँ पर हॉर्न का मिलेगा आपको बटन, यहाँ पर ये दोनों फ्रंट लाइट बैक लाइट, और ये है KPC शिफ्टर,
और यह है जो चारों इंडिकेटर एक साथ जलाते हैं उसका बटन है। यहाँ पे जो इसकी बैक, जब आप बूम पे काम करते हैं तो उस टाइम जो स्पीड रखनी होती है वो ये है। इसको ये है हमारा जो इसका ब्रेक, हैंड ब्रेक जो होता है वो है। ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं, इसे काम में ना लेते हैं, मतलब काफ़ी कम काम में आता है। बाकी उसके बाद वो जो मैंने आपको फीचर पीछे बताया था कि इसका बूम लॉक हो जाता है, वो यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, इसको नीचे छोड़ने से वो वहाँ पे पीछे इंगेज हो जाता है और पूरा उसको लॉक कर लेता है। उसके बाद जैसे जेसीबी में आपने देखा होगा कि यहाँ से चाबी बंद करने पर ही इंजन कटआउट हो जाता है, बट इसमें ट्रैक्टर की तरह एक यहाँ पे एक अलग से पुलिंग वायर दिया हुआ है कि यहाँ से स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद इसको पुल करो, तब जाके इंजन बंद होता है। और पीछे यहाँ पे इसके क्वार्टर पैनल हैं, ये इसके छोटे वाले जो विंडो है उसके लॉक हैं, यहाँ से ऐसे लॉक हो जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका एक ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रट इसको बोलते हैं, जो इसकी विंडो को ऊपर नीचे मनूवर करने में काफ़ी ईजी कर देता है। यहाँ पर इसके जो मेन हैं वो इसके एक्सकवेशन के कंट्रोल्स हैं जो कि मल्टीप्लाई में आते हैं। कुछ मशीनें मैंने देखी हैं जो अभी नई आ रही हैं, उनमें इनको दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस में भी और इसमें क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई में, दोनों में। ये इसका जो लीवर है इसके स्टेबलाइजर्स के हैं, ये जेसीबी से उल्टे हैं। जेसीबी में ऐसे करने से नीचे होता है, मतलब स्टेबलाइजर नीचे जाते हैं, जबकि इसमें नहीं, नहीं मैं उल्टा बता रहा हूँ इसमें अगर इसे पीछे करेंगे तो मशीन ऊपर जाएगी, स्टेबलाइजर नीचे जाएंगे, और इधर पीछे खींचने से इसके स्टेबलाइजर अप हो जाते हैं, मशीन डाउन हो जाती है, जबकि जेसीबी में बिल्कुल इसका अपोजिट है। और बाकी इस साइड यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मतलब आप फिक्स कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो साइड है यहाँ पर एक आपको छोटा सा स्पेस मिलता है जो कि अभी काफ़ी गंदा हो रखा है। ये जो इसके है हाइड्रोलिक स्ट्रट हैं इस गेट को खोलने के लिए, यहाँ पे एक आपको एक स्पेस मिलता है जिसमें कि हमारी पर्सनल चीज़ें रखी हुई है, आपको नहीं दिखाएंगे दिखा दिया है। और ये जो सीट है इसमें भी दो लीवर दिए हुए हैं, एक तो इसको आगे पीछे आगे करने के लिए, और एक यहाँ पर लीवर है जो कि एक्सकवेशन के काम के लिए सीट घुमाने के काम आता है। और बाकी आज इस वीडियो में एक चीज ये भी होने वाली है कि हम आपको जो इसकी स्विंग स्पीड है और जो इसकी पंप की जो मेन स्पीड है कि लोडर कितनी देर में उठता है, जो एक नॉर्मल आइडियल आरपीएम है उस पर, और इसके मतलब इसको एक्सेलरेट करने के बाद वो कितनी स्पीड पे उठता है, वो आपको सभी चीजों को दिखाने वाले हैं। अब आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि जो इसकी आइडियल आरपीएम है उस पे इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसकी कितनी तेजी इसका जो लोडर है उठता है, और एक बार इसको पूरा रेस देके दिखाएंगे कि रेस देने के बाद ही कितनी स्पीड से उठता है। आप खुद जज कर लेना कि दूसरी मशीनों के कंपैरिजन में कैसे अलग है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके आरपीएम देख लेना। पहले आरपीएम अब इसके आरपीएम है 600 के आसपास, इसके हाँ 600 के आसपास इसके आरपीएम है। अभी आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ, कोई पैडल इसका प्रेस नहीं करूंगा, सीधा लोडर उठाऊंगा, बाहर देखना। और अभी मैं इसको एक्सेलरेट करके पूरा उठाऊंगा, अभी आप देखना। अभी देखो मैंने इसको एक्सेलरेट कर दिया है, आरपीएम एक्सेलरेट करने के बाद इसके 2200 पे जा रहे हैं, तो आप इसको 2200 आरपीएम पे देखना कितनी स्पीड से ऊपर जाता है। आती है इसकी बूम की, जो इसका एक्सकवेशन सेक्शन है उसकी बारी आती है। आपको उसकी स्विंग स्पीड और उसकी अप डाउन की स्पीड दिखाता हूं, पहले नॉर्मल फिर उसके बाद इसको 2200 आरपीएम पे। सुन लो, पहले इसका स्टेबलाइजर देखते हैं कितनी देर में उठ रही है, और अभी इसको रेस देने पे कितनी जल्दी है कुछ उठ जाती है, क्विक है काफी, मतलब काफी फर्क पड़ जाता है कि आइडियल इनका और रेस देने के बाद। अभी आइडल पे इसका बूम जो है मैं पूरा ऊपर उठाऊंगा, अभी तो खैर नीचे है, रुको। अभी इसकी कुछ ये स्पीड है कि अगर नॉर्मल पे आइडियलिंग पे कर रहे हैं तो इसकी ये स्पीड है। अभी आपको बूम ऊपर ऊपर उठा के दिखाते हैं, ये देखिए अभी इसकी ये स्पीड है बिल्कुल आइडियलिंग पे, और डाउन करने की तो खैर स्पीड होती नहीं है।
अभी आपको एक बार रेस देके दिखाते हैं। अभी ये कुछ इसकी स्पीड है, काफी तेज है जो काफी क्विक है, और डिपर का तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, उसी से मैच कर लीजिए। उसके बाद आपको इसकी स्विंग स्पीड दिखाते हैं, ये आइडियल पे है, बिल्कुल आइडियल पे आप इसकी स्विंग स्पीड देख सकते हैं। ओके, और अभी रेस देके दिखाते हैं, उसमें फिर मुझे इसका प्रेशर भी काटना होगा, वो ध्यान देते हैं अभी। जो कि काफी फास्ट है, काफी कंट्रोल भी नहीं हो रही है, इतनी फास्ट है। बाकी जो इसको नॉर्मल ऑपरेटर इसको मैन्यूवर करते हैं, चलाते हैं एक्सकवेशन में, वो स्पीड होती है 1500 के आसपास, तो 1500 की स्पीड पे भी ये काफी अच्छा काम करता है। ना तो ऐसा होता है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ना इतने धीरे होता है कि मतलब कि बहुत ही धीरे काम हो रहा हो। तो 1500 एक ऐसे RPM है सभी मशीन ऑपरेटर ओनर और सबके लिए कि जो 1500 पे वो इसके काम को करते हैं। 1500 से 1600 अगर मशीन लोड ले रही हैवी काम है तो 1600-1700 पे पहुंच जाते हैं, नहीं तो 1400 से 1700 तक इसका काम पूरा चलता है। अभी JCB से तेज है, अब आप खुद देख सकते हैं JCB से तेज है या उससे धीरे हैं। आप JCB मशीन देख लीजिए, अगर कुछ टाइम बाद हो सकेगा हमारे पास JCB मशीन अवेलेबल हुई तो इनका बिल्कुल साइड टू साइड कंपैरिजन में हम आगे करके दिखाएंगे। ओके सब्सक्राइबर्स, हमने पूरी मशीन का डिटेल रिव्यू दे दिया है, बट अगर फिर भी इसके बाद भी आपको कुछ लगता है कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पे आगे वीडियो बनाएंगे, या फिर कुछ छोटा मोटा होगा तो वहीं पे आपको रिप्लाई करके बता देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे लगी होगी, बट लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।